नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेलीबग अटैक। आप देखिए कितना ज्यादा अटैक हो रहा है। दोस्तों वैसे तो गुड़हल के प्लांट में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, बट जैसे ही मेलीबग अटैक होने लग जाता है तो प्लांट की सारी एनर्जी ये मेलीबग खींचने लग जाते हैं और प्लांट को सूखने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज हमारा यही काम रहेगा कि हम इन्हें किस तरह से रिमूव करें और हमारे गुड़हल को प्लांट को एकदम फ्रूटफुल और हेल्दी वे में कलियाँ, न्यू कलियाँ ग्रो करने में मदद करें। और दोस्तों ये मेलीबग अटैक होता नॉर्मल है, बट इसको फैलाने में जो मदद करते हैं उस पर बात करते हैं। दोस्तों सारा काम ये चींटियाँ करती है, क्योंकि मेलीबग एक ऐसा लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो स्वीट होता है और चींटियों को ये बहुत आकर्षित करता है। तो चींटियाँ एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, मतलब और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर भी इजी वे में ट्रांसपोर्ट करती रहती है, जिससे सारे पूरे प्लांट पर मेलीबग अटैक हो जाता है। हालांकि चींटियों को काफ़ी फ़ायदा होता है, बट हमारा प्लांट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, दो से तीन मेथड है, बहुत आसान वे है, तो स्टार्ट करते हैं, रिमूव करते हैं इन सारे मेलीबग अटैक को। सो फ्रेंड्स, अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें कब ज़्यादा एक्टिव होना है मेलीबग के ऊपर। तो अगर आपकी लीफ पार्ट अवेलेबल है आपकी ब्रांच के ऊपर, तो ये हो सकता है क्रिटिकल कंडीशन नहीं हो, बट जैसे ही अगर आप कुछ और ब्रांचेस पर देखते हैं कि आपकी बिल्कुल भी लीफ नहीं है और सिर्फ ब्रांच रह गई है, उस पर काफ़ी ज़्यादा मेलीबग अटैक हो चुका है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है दोस्तों हिबिस्कस प्लांट के ऊपर। तो हिबिस्कस प्लांट के ऊपर मेलीबग अटैक बहुत कॉमन रहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला मेथड रहेगा हमारा, मतलब कि मैनुअली हम रिमूव करेंगे एक एक प्लांट में से, एक एक ब्रांचेस में से मेलीबग को। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, मतलब कि थोड़े बहुत ही मेलीबग अटैक हुए हो, तो इसमें हम नॉर्मल वाटर स्प्रे से भी हम इनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर टूथब्रश की जरूरत नहीं है, अब बस एक वाटर, अच्छे से वाटर जेट से आप अपनी प्लांट की कलियों को वॉश करें। आप देखें किस तरह से बहुत आसान वे में रिमूव हो जाते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड मेथड, और इसमें हमारा प्लांट एकदम प्योर हो चुका है, मतलब कि एक भी मेलीबग नहीं है यहाँ पर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा दोस्तों नीम ऑयल रहेगा, आप देखें, जो कि 100% ऑर्गेनिक वे है। तो हमें लेना है 1 लीटर, और वो भी वाटर जेट चाहिए होगा दोस्तों। वाटर जेट में ही सारा काम बहुत आसान वे से होगा, क्योंकि हमें स्प्रे करना है 1 लीटर का वाटर जेट, और उसमें हम डालेंगे 5 से 6 बूंद। बस 5 से 6 बूंद ही डालनी है दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये, और हमें टाइट पैक करने के बाद थोड़ा सा शेक कर दीजिए। ओके, हमारा वाटर जेट रेडी हो चुका है दोस्तों। चलिए अब मेलीबग के ऊपर लगा देते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नॉर्मल वाटर स्प्रे से हमारा काम होता है या नहीं, और उसके बाद हम मैनुअल वाला प्रोसेस यूज करेंगे, मतलब कि टूथब्रश वाला। वैसे तो यहाँ से डालते ही हमारा मेलीबग क्लियर हो गया दोस्तों। ये नीम ऑयल है, नेचुरल है एकदम, और ये अच्छे से रिमूव हो रहे हैं। और दोस्तों इसका स्वाद हो सकता है थोड़ा सा कड़वा हो, जो चींटियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। आप इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे करने से सब तरफ फैलता है। और दोस्तों आप अपने एक्स्ट्रा जो भी प्लांट होते हैं, अदरवाइज जो भी आपके गार्डन में प्लांट है, उन पर आप इजी वे में स्प्रे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में सारे प्लांट पर कर देता हूँ।
सो दोस्तों ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और आप देखें कि हमारे जो प्लांट में व्हाइटिश था, जो मेलीबग थे, वो सारे के सारे रिमूव कर दिए गए हैं दोस्तों। थोड़ा सा वाटर स्प्रे, थोड़ा सा नीम ऑयल, थोड़ा सा मैनुअल वर्क करा है हमने और देखें आप यहाँ पर पूरा वाइट था। हमने जो डेड ब्रांचेस थी वो सारी कट कर दी और सारे रिमूव करे हैं, बट कुछ रह गए हैं दोस्तों। और अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा काम हो गया है तो हम गलत हैं, क्योंकि जो मेलीबग जो नीचे गिरे थे वो पॉट में ही गिरे थे दोस्तों, और पॉट में गिरने के बाद ये हो रहा है, फिर से ये प्लांट को खाने के लिए ऊपर चढ़ रहा है दोस्तों। जो बड़े बड़े और मैच्योर मेलीबग होते हैं वो इजी वे में ट्रैवल कर लेते हैं, तो आप देखें कितने आसान वे में ये चलते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमें फिर से नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। और दोस्तों ये 2 से 3 बार प्रोसेस करिए आप, मतलब कि एक एक दिन के गैप में आप नीम ऑयल स्प्रे करते जाइए, आपके सारे मेलीबग अटैक जो भी हुए हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। वैसे हमारा फर्स्ट डे का रिजल्ट ही काफ़ी बेटर रहा है, हमारी ग्रीन ग्रीन डालियाँ दिखने लग गई है। तो दोस्तों होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। और नीम ऑयल का स्प्रे दोस्तों आप सारे प्लांट पर कर सकते हैं, ये हमारे भिंडी की प्लांट है, ये हमारा बैंगन का प्लांट है, ये हमारे लौकी का प्लांट है, और लौकी के साथ करेले भी उग रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।